बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ अर्शद सईद। उम्मीद है कि आप लोगों ने बार बार शेख रशीद साहब की एक बात मुख्तलिफ टॉक शोज में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सुनी होगी। वो बार बार कह रहे हैं कि 31 जुलाई के बाद झाड़ू फिरने वाली है। आखिर इस बात का मकसद क्या है? और साथ में वो ये भी कहते हैं कि झाड़ू फिरने वाली है लेकिन दोनों साइडों से। दोनों साइडों का मतलब है कि अपोजिशन साइड पर भी और हुकूमती साइड पर भी। आखिर इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है, यह शेख रशीद साहब बार बार ये क्यों कह रहे हैं और इस बात में क्या हकीकत है? दूसरा, एनएफसी अवार्ड का जो रोला है, जो मसला है, वो बहुत तेज़ी से उभर के आ रहा है। आने वाले दिनों में इसमें क्या डेवलपमेंट्स होने वाली है? और अपोजिशन, स्पेशली अपोजिशन में जो नून लीग है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो क्या फ़ायदे उठाना चाहती है, उनके मकासद क्या है? इस पर तफसीलन इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, जो बिल आइकॉन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। हमारी अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं एनएफसी अवार्ड। पिछले 10 साल से अगर देखा जाए तो हकीकत यह है कि हुकूमत, तो जो मरकज़ी हुकूमत है, उसके पैर काट दिए गए हैं। देखने में तो मरकज़ में जिस तरह मौजूदा जो हुकूमत चल रही है पीटीआई की, तो देखने में आम आवाम की नज़र में ये है कि एक्चुअली हुकूमत है इमरान खान की। लेकिन एनएफसी अवार्ड का जो मसला है, जो उसके तहत एनएफसी अवार्ड के तहत जो मोस्टली चीज़ें हैं, मोस्टली फंड्स जो है वो सूबों के पास है, और ये बाकायदा प्लानिंग के साथ, बाकायदा सोचे समझे मनसूबे के साथ ये इख्तियारात दिए गए थे सूबों को, और इस गेम के पीछे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग थे। क्योंकि नून लीग को पता है कि उनकी जो मेजॉरिटी सीट्स आती है वो पंजाब से आती है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये पता था कि उनका जो मेन गढ़ है वो है सिंध। उन लोगों को पता कि अगर फ्यूचर में बाकी मरकज़ी हुकूमतें हमारे हाथ से जाती भी है तो ये सूबे या इन सूबों में जो अक्सरियत होगी वो हमारी होगी, और ज़्यादा चांसेस होंगे कि उनके पास इधर की ही हुकूमतें होगी। जिस तरह अभी मौजूदा हालात में भी आप लोग देख रहे हैं कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और पंजाब में इसमें कोई शक नहीं कि जो नून लीग है उनकी हुकूमत नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी उनके पास बहुत ज़्यादा है। और पास्ट में ये होता रहा है कि मरकज़ में उनकी हुकूमत नहीं होती थी लेकिन पंजाब में हुकूमत बनाने की पोजीशन में होते थे नून लीग वाले। उन क्योंकि दोनों जो प्रोविंसेस है ये इनके मेन गढ़ हैं, मेन हब इनके बने हुए हैं, इसी वजह से उन लोगों ने एनएफसी के तहत जो फंड का तकसीम का तरीका कार था वो सूबों को दे दिया गया था, और यही फंड फिर जो नीचे कौंसल लेवल तक कौंसल लेवल तक जो है ना, या जो नाजमीन होते हैं, कौंसलर होते हैं, उस हद तक ये पैसे जाते हैं। और अगर देखा जाए तो ये लोग जो इन लोगों के मेन पैसों में खुर्द बुर्द के तरीक़ार होते हैं वो तब ही ज़्यादा मौसर तरीके से अप्लाई होते हैं कि ऊपर लेवल पे भी फंड इनके अपने बंदों के हाथ में हो। लेकिन अभी मौजूदा हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, उन लोगों ने कोशिश की है कि एनएफसी अवार्ड में या तो इसको ख़त्म किया जाए, पावर जो है वो दोबारा मरकज़ के हाथ में आ जाए, या इसमें तरामीम की जाए। लेकिन एक साइड पे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन अगर तैयार है भी तो वो कुछ टर्म्स कंडीशन रखना चाह रहे हैं, और वो टर्म्स कंडीशन क्या है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले हुकूमत के साथ इस डील के लिए तैयार है कि हमें जो हमारे अगेंस्ट केसेस है उसमें हमें रिलीफ दिया जाए, और स्पेशली जो नैब के केसेस बने हुए हैं उसमें रिलीफ दिया जाए, तब जो है ना हम लोग हुकूमत का साथ देंगे एनएफसी ख़त्म करना या उसमें तरामीम करना। अभी वो लोग क्या चाहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, बल्कि अगर ये कहा जाए कि जरदारी फैमिली और नवाज़ फैमिली क्या चाहती है, उन लोगों का मकसद ये है कि पहली बात तो ये है कि जो नैब का इदारा है उसको टोटल ही ख़त्म किया जाए, टोटली ख़त्म किया जाए और इसको ज़म किया जाए एफ आई ए में जम करने का फ़ायदा क्या होगा? एक तो ये है कि जो रिवायती केसेस जिस तरह चलते हैं वो काते शुरू हो जाएंगे, जिस तरह केस आम अदालतों में होते हैं और साल हर साल चलते हैं, और साल हर साल में फिर इन लोगों को पता है कि किन तरीक़ों से ये लोग उन केसेस को ख़त्म करा सकते हैं, उनसे फ़ायदे उठा सकते हैं।
दूसरे वो चाहते हैं कि अगर आप लोग अगर हुकूमत नेब को ख़त्म नहीं करती और FIA के जो इदारा है उसमें जम नहीं करती, तो उसमें जो नेब के कवानीन है उसमें तरामीम की जाए, और तरामीम भी ऐसे ख़तरनाक तरामीम के जिससे सारा का सारा फ़ायदा नवाज फैमिली और जरदारी फैमिली को पहुँचेगा। वो लोग कहते हैं कि उनका मुतालबा है हुकूमत से कि NFC में हम आप लोगों की सपोर्ट तब करेंगे कि जो नेब का चेयरमैन है उसको हटाया जाए, नेब के कवानीन के मुताबिक जो 90 डेज़ का जो रिमांड लेने का तरीका है, जो कानून है, वो ख़त्म किया जाए, जो नेब मुख्तलिफ़ केसेस ऑलरेडी इन प्रोसेस है नून फैमिली के, नवाज़ फैमिली के अगेंस्ट और जरदारी फैमिली के अगेंस्ट, उन केसेस में उनको रिलीफ दिया जाए। अभी अगर नेब को इतना कमज़ोर कर दिया जाता है तो ज़रूरी बात है कि NFC का जो उसमें जो तरामीम है वो तो हुकूमत उसमें कामयाब हो जाती है, लेकिन जरदारी फैमिली और नून फैमिली ने जो अरबों खरबों रुपये लूटे हैं, पाकिस्तान का जो खून चूसा है, उसमें उनको कामयाबी मिल जाएगी उन केसेस में रिलीफ का, क्योंकि उनको पता है कि अगर नेब किसी तरीके से गैर मौसर हो जाती है तो इनके अरबों खरबों रुपये ये लोग साबित कर लेंगे कि हराम नहीं बल्कि हलाल पैसा है। लेकिन अगर देखा जाए, अगर रियलिटी पे नज़र दौड़ाई जाए, तो नेब ने सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन को नहीं जकड़ा हुआ, अपोजिशन को नहीं पकड़ा हुआ। रिसेंटली आप लोगों ने एक डेवलपमेंट सुनी होगी कि काफ लीग की जो एलियट जो सीट्स है, जो चौधरी बरादरान है, वो लोग कोर्ट में चले गए हैं अगेंस्ट नेब, और काफ लीग का बहुत बड़ा गिला है हुकूमत से कि हमारे 20 और 25 साल के पुराने केसेस रीओपन क्यों हो रहे हैं नेब की तरफ से। उनको ये लग रहा है कि इसमें हुकूमत का हाथ है या एजेंसीज का हाथ है, लेकिन रियलिटी है कि काफ लीग का हुकूमत के इत्तेहाद में होने के बावजूद वो काफ लीग के बंदों के खिलाफ केसेस को रीओपन कर रहे हैं और कुछ नए केसेस भी वो बना रहे हैं। अगर नेब वाले सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के अगेंस्ट केस बनाते और उनकी पकड़ दकड़ होती, तो हर आम पाकिस्तानी के जहन में आ सकता था कि नेब हुकूमत के हाथ में है और हुकूमत नेब को इस्तेमाल कर रही है अगेंस्ट अपोजिशन। लेकिन हकीकत इससे टोटल मुख्तलिफ है, बल्कि अभी ईद के बाद कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स होने वाली है कि आम पाकिस्तानी के जो उनकी जो नज़र है, उनका जो जहन है, उसका ये तासर ख़त्म हो जाएगा कि नेब अगेंस्ट अपोजिशन इस्तेमाल हो रही है। अगर किसी के जहन में ये बात है भी, जिस तरह नूरुल हक कादरी साहब है, नूरुल हक कादरी साहब जो इस्लामी एतबार से अगर हम देखा जाए तो हमारे हम सब के लिए इंतहाई काबिल एहतराम है और एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वजारत उसके हाथ में है, उसके अगेंस्ट केस बन चुका है क्योंकि एक सरकारी बिल्डिंग उसने अपने एक पार्टनर को रेंट आउट कर दिया है, तो उसने अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है और उसकी वजह से नेब के अंदर ऑलरेडी ये खिचड़ी पक चुकी है, ये केस नूरुल हक कादरी साहब के अगेंस्ट बन चुका है, और ईद के बाद इस केस में बहुत बड़ी डेवलपमेंट आप लोगों के सामने आ जाएगी। जकार्ता अगर देखा जाए तो जकार्ता और टोक्यो में बिल्डिंग्स को सेल आउट किया गया, हुकूमत के नाक के नीचे हुकूमती नुमाइंदों ने ही एक बहुत बड़ा हाथ किया, और वो केस भी ऑलरेडी ओपन होने वाला है नेब में। गुलाम सरवर साहब जो हवाबाजी के वज़ीर है, उसके ख़िलाफ़ भी केस इंतहाई मजबूत केस जो उसके असासे है जो उसने ज़ाहिर किए हैं, तो उसके आमदन से ज़्यादा असासों का केस उसके ख़िलाफ़ बन चुका है, और ईद के बाद उसमें बहुत बड़ी डेवलपमेंट आप लोगों के सामने आ जाएगी। इस तरह अगर आप लोग देखें तो जो हलीम ख़ान साहब थे, हलीम ख़ान साहब के ख़िलाफ़ कितना बड़ा केस बन गया था, हलीम ख़ान साहब ने कितने दिन जेल की हवा खाई, हालांकि इमरान खान के राइट हैंड तसव्वुर किए जाते हैं, उसको भी सामना करना पड़ा नेब के केस का, और अभी भी वो मुख्तलिफ तारीखों पे हाज़िरी लगवाने के लिए जाते हैं और उसका केस अब भी चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों का ये मतलब कि ये मतलब सामने आता है कि जो नेब है वो सिर्फ़ और सिर्फ अगेंस्ट अपोजिशन इस्तेमाल नहीं हो रही, बल्कि जो हुकूमत के अंदर जो बंदे हैं, जो उनके इंतहाई करीबी बंदे हैं इमरान खान साहब के, या जो मौजूदा कैबिनेट का हिस्सा है, उनके खिलाफ भी केस ओपन हो रहे हैं और पास में भी ओपन होते रहे हैं। तो इससे साफ तासुर बनता है कि नेब अगेंस्ट अपोजिशन नहीं बल्कि हुकूमत के अगेंस्ट भी जो है ना वो मौसर किरदार अदा कर रही है। दूसरी साइड पर अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है नाज़रीन की,
जो चार हमारे सूबे हैं उनके जो गवर्नर्स हैं उनको चेंज करने का शायद वक्त आ गया है। जो सिंध है, सिंध में तो बकायदा ये आवाज़ उठ चुकी है कि गवर्नर राज लगाया जाए, और सिंध हुकूमत भी मुख्तलिफ बयानबाजी से काम ले रही है क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि हो सकता है कि सिंध में गवर्नर राज बन जाए लग जाए। लेकिन दूसरी साइड पर अगर देखा जाए, गुलाम सरवर साहब है पंजाब के गवर्नर, उसका भी रिसेंटली एक बयान भी सामने आया है कि जो मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स हैं वो हमें काम करने नहीं दे रहे हैं। अगर हम मेरे हाथ में अगर सही पावर होती तो मैं बहुत बहुत जो बहुत बड़े बड़े बंदे हैं उनके नाम में ले लेता। जब भी एक शमा बुझने लगती है तो वो ज़रूर पड़पड़ाती है। तो महसूस यही हो रहा है कि जो गुलाम सरवर साहब है उसके जाने के दिन आगे है, बल्कि गुलाम सरवर साहब के सीट पे आने वाले जो बंदे का नाम अभी फ़िलहाल कन्फर्म नहीं लेकिन जो सुनाई दे रहा है वो जनरल पाशा साहब है। अगर जनरल पाशा साहब पंजाब के गवर्नर बन जाते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पर वो सामने आएंगे, और उम्मीद फिर यही की जाएगी कि गवर्नर का जो रोल है, जो सीट है, वो हकीकत में पॉजिटिवली और एक्टिवली अदा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन बाकी जो प्रोविंसेस है उनके भी जो गवर्नर्स हैं उनके तब्दील होने की हवा चल पड़ी है, और मुख्तलिफ नामों को पे गौर भी हो रहा है। बल्कि सिर्फ गवर्नर्स नहीं, ईद के बाद सात तो सिर्फ जो पंजाब की काबीना है, सात वज़ीर की छुट्टी की जा रही, सात वज़ीर जो है ना अपनी सीटों से हटाए जाएंगे, या उनके जो वजारतें हैं उनमें से कुछ बंदे ऐसे भी हैं कि जिनकी वजारतें चेंज कर दी जाएगी। पिछले तकरीबन तीन महीने में हवा थोड़ी सी ठंडी पड़ गई थी पाकिस्तान में सियासी जो हवा है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हुकूमत या हुकूमती जितने भी इदारे हैं उन सब की तवज्जो सिर्फ और सिर्फ कोरोना पे थी। और जब भी आप लोग टीवी ऑन करते थे कोई सियासी जो बयानबाजी थी वो नहीं हो रही थी, और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, मीटिंग्स जितनी भी चल रही थी वो कोरोना के बाबत चल रही थी। लेकिन अब कोरोना से निपटने के बाद हुकूमत के अंदर मुख्तलिफ गहमागहमियाँ चल पड़ी है, अपोजिशन भी काफ़ी एक्टिव हो चुकी है, और मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, मुख्तलिफ मीटिंग्स होती जा रही है। और आने वाले दिनों में स्पेशली ईद के बाद बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स आप लोगों के सामने आना शुरू हो जाएगी। नाज़रीन, शुक्रिया।